मेरा नाम प्रेम सिंह है। आज हम आपको राजस्थान से एक यूनिक चाट बताने जा रहे हैं जो कि वेरी पॉपुलर है। तो मैंने जैसे ये घेवर है, ये घेवर की चाट बनाएंगे। ये भी जैसे स्मॉल साइज के घेवर बनाए, आप जो घेवर बनाएंगे, अगर घेवर बनाते तो दूध 1 लीटर दूध देंगे, उसमें कम से कम 100 से 150 ग्राम मैदा डालेंगे। मैदा या आटा दोनों में बना सकते हैं। उसमें हल्का सा क्रिस्पीनेस लाने के लिए आप बेसन डाल सकते हैं और उसमें जैसे 50 से 60 ml घी डालेंगे। घी को मैदे में रब करके फिर मिल्क ऐड करेंगे, कोल्ड जैसे ठंडा पानी या आइस के साथ रब करके के स्टोर कर लेंगे। फिर उसको किसी और घी में किसी मोल्डेड में आप 1/1 pour करके ऐसे घेवर बना सकते हो। घेवर की रेसिपी से आप घेवर बना लेंगे। तो आज हम बनाएंगे घेवर की चाट। घेवर की चाट के लिए मैंने जैसे घेवर ले लिया, बेसिक इंग्रेडिएंट ले लिया, जैसे सौंठ की चटनी, पुदीने की चटनी, बारीक सेब, बूंदी, अनार के दाने, मीठा दही, प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च और भुना हुआ जीरा और टमाटर आप चॉइस पे डाल सकते हो। तो आप घेवर को लेंगे तो घेवर पर जैसे मैं ये इसपे असेंबल करने के लिए सबसे पहले आप चाट, तो जैसे ये मीठा दही है, आप दही में या तो विस्क कर लीजिए, इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, शहद ऐड कर सकते हैं या फिर आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं। तो इसमें जो मीठा दही है इसको मैं इसमें पोर कर दूंगा। तो ये एक तरह की यूनिक रेसिपी है मॉडर्न टाइम में। बाकी जो घेवर है वो मॉनसून सीजन में ही खाए जाते हैं स्पेशली, लेकिन आजकल जो फूड ट्रेंड है इनोवेटिव फूड आइडियाज के कारण जैसे ये घेवर की चाट भी अभी राजस्थान में बड़ी पॉपुलर है। तो आप ये घर पे इजी से बना सकते हो स्नैक्स टाइम में। जरूरी नहीं मीठा ही खाना, आप चटपटा भी कुछ बना के खा सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाट। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, हल्का हल्का प्याज सब पे। जीरा, हल्की हल्की लाल मिर्च, टमाटर आपकी चॉइस से, अगर टमाटर खाते ठीक नहीं तो आप रहने दीजिए। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया, धनिया के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें हल्की सी बूंदी, बूंदी के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे सेब, बारीक सेब। ये एक तरह का यूनिक स्नैक्स है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मीठी चटनी, सौंठ, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीने की चटनी। ये आपका मीठा, खट्टा, मीठा, चटपटा। तो ये हमारी घेवर बन के तैयार हो चुकी है। फिनिशिंग में हम इसमें जैसे अनारदाना गार्निश में डाल देंगे। सिंपल रेसिपी, आप इजीली घर पे बना सकते हैं। मॉनसून सीजन का जरूरी नहीं है, आप किसी भी मौसम में बना के खा सकते हैं। तो ये हमारी घेवर की चाट बनके रेडी हो चुकी है। आई थिंक आपको पसंद आएगी। बाय प्रिंसिंग राठौड़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।